नमस्कार, आज की ताजा खबर। बेतिया के लौरिया प्रखंड में सिरिसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र की हत्या कर दी गई। बता दें, हत्या की गई लड़का का नाम प्रभात कुमार था एवं उसका उम्र 14 वर्ष का था। लड़का को बड़ी बेरहमी के साथ हत्या करके लाश को फेंक दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है एवं आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या सर नाम होगा आपका? रविंदर महतो जी, ये बताइए कि आपके लड़के का मौत कैसे हुआ है? आपको कुछ पता है कब से घर से गायब था? खाओ का 9 बजे सुतने से जी, ओकर आवाज टूटल जी, हम लोग नींद लाग गए, पता नहीं कब बजे निकल। रात में निकल करके वो कितने बजे गया आपको पता है? और घर में किसी को पता है इस बात का? और मौत की खबर आपको कब मिला है? सुबह 7 बजे। किसने दिया मौत की खबर आपको पहली बार? बगल वाला। अच्छा सर, तो ये लड़का का लाश कहाँ पर रखा गया था? इससे पहले आपके कोई मतलब दुश्मनी थी किसी से? ना। कोई कुछ भी नहीं था? ना। और नाम क्या था लड़के का? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार नाम था उसका। उम्र कितना था उसका? 14 बरस। क्या करता था वो? पढ़ाई। कहाँ पढ़ता था? कोचिंग पढ़ता था। कौन सी जगह पढ़ता था वो? कोचिंग वैसे ही कोचिंग पढ़ता था। मास्टर कौन है उनका? हमारा भाई है सर। आपके भाई है? क्या नाम होगा उनका? बलराम कुमार। बलराम कुमार। चलिए देखिए, मौत बड़ा ही एक रोमांचक बना रखा है यहाँ चरगाहा पंचायत में। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनसे माँ से हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? आपका नाम क्या पड़ेगा? क्या जी कहाँ पर सोए थे? अब दूसरा रूम में बोलो, दूसरा रूम में ही बाड़ी। हम यहाँ जगह के लोग ले बोल बाकी साफ करे के बड़े के जाना था। चार गो लइकन से सुतल रहा है लाइन से, अब पर आज नहीं के बाड़ी। अच्छा अच्छा। आउ इतना लोग ललवा साइड के साव सब करे तो ले बोल बा आधा से ले कोई मुआ के आओ ये लिया के सुता दे ले का बस हुआ था। आप लोग कौन है उनके लड़के का? नाम ही हमने के लगा। क्या नाम होगा आपका? चांदसुंदर। आपका भाई के नाम? प्रभात। आपसे जेर थे वो बड़े थे? हाँ। आप क्या करते हैं अभी? पढ़ाई करते हैं। और उनका जो मतलब पहले से कोई दुश्मनी था उनका कोई से? नहीं। झगड़ा वगैरह कुछ कभी भी नहीं। कहीं पे कुछ हुआ होगा? हल्का भी बातचीत कहीं पे कुछ बोले नहीं आपसे? और रात में कितने बजे गए थे घर से? 9 बजे। आप सो गए थे 9 बजे? और उनका जो मतलब पहले से कोई दुश्मनी था उनका कोई से? नहीं। झगड़ा वगैरह किसी भी कभी भी नहीं। कहीं पे कुछ हुआ होगा? नहीं। हल्का भी बातचीत कहीं पे कुछ बोले नहीं आपसे? नहीं। और रात में कितने बजे गए घर से? 9 बजे सो गए थे। आप सो गए थे 9 बजे? हाँ। और उनके बाद क्या हुआ? वो उसके बाद मैं वो कहाँ सोते हैं और आप कहाँ सोते हैं? तो फिर वो आपके पास से चले गए, आपको पता भी नहीं है कि वो कब वहाँ से उठे हुए हैं? देखिए, हम लोग आए हुए हैं यहीं पे। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे लाश रख दिया गया था और यहाँ कुछ बोलेंगे इसके बारे में? यहाँ पे क्या अभी आ रहे हैं? क्या नाम होगा आपका? मेरा मदन। कहाँ घर पड़ेगा आपका? मेरा। और यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? अभी आए हैं। सूचना कब मिला आपको? अभी मिला है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? आपका घर कहाँ पड़ेगा? आप यहाँ तुरंत आए? आपका नाम क्या पड़ेगा? चाहिए काशी महतो जी। कहाँ रहने वाले हैं? संदेश होगा ना कि हाँ कैसे मरा है, क्या कुछ? किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह। इसके बारे में मतलब जांच चल रहा है ना? चल रहा है। आपका नाम? चोकमन ठाकुर। चोकमन ठाकुर जी, बताइए आप यहाँ पे कब आपको पता चला क्या? और यहाँ के जो घर वाले हैं इनको पता नहीं था कि कब यहाँ पे रखा गया? 6 बजे जो है ना जब निकली है तो वहीं पर देखिए लड़का पड़ा हुआ है, समझिए कि शायद घर से नाखुश होकर गया है। अच्छा, लेकिन थोड़ा देर के बाद में पता घर पे कोई अगर कुछ पूछा तो बोले लोग कि कुछ नहीं हुआ है, कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कर दिया गया? वही तो उसके बारे में हम लोगों को शायद नहीं चल रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ला करके और घर के पीछे लड़के को लाश जो है यहाँ पर रख दिया गया था और कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस से पूछताछ करने पर पता चला है कि पोस्टमार्टम करने के बाद ही किस चीज़ का वर्तलाप किया जाएगा।